नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 6 केस पढ़े थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, और उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग कहाँ किया जाता है हम लोगों के भौतिक जीवन में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं अवतल लेंस क्या होता है? ये होता है हम लोगों का अवतल लेंस, ये होता है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष होता है और इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र ओ कहते हैं। ठीक, इसमें केवल दो ही केस बनते हैं। पहला केस हम लोगों का है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, अब मान लीजिए अनंत पर, अनंत मतलब बहुत दूर होता है। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही अनंत से। ठीक है, अब ये किरणें जैसे ही लेंस से टकराएंगी, ठीक है, तो इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस का ये गुण होता है कि ये किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब कि पसार देता है, मतलब कि फैला देता है। ठीक है, तो वो अपने गुण का जो है प्रयोग करेगा और किरणों को जो है फैला देगा। ठीक, इस तरीके से तो ये किरणें आगे जाकर आप लोग देख रहे हैं कि कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप लोग सारी चीज़ें दर्शा लेंगे, जैसे ये जो है लेंस का फोकस है F1, ये है F2, ये है 2F2 और ये है 2F1। ठीक, तो ये किरणें आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इन किरणों को जो है पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक, ऐसे ऐसे इन किरणों को हम लोग पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे। तो ये किरणें आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने नियम पढ़ा था, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी मतलब कि बिंदु से जो है अपसरित हो रही, किसी एक बिंदु से जो है अपसरित हो रही है, और उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये किरणें जो है फोकस से होती हुई जो है अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो पीछे बढ़ाने पर ये सभी किरणें आपस में फोकस पर जो है एक दूसरे को कट की हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिबिंब जो है हम लोगों को मिलेगा फोकस पर। ठीक है, लेंस के फोकस पर मिलेगा। तो क्योंकि ये किरणें असलियत में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो इस लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, पहली बात कहाँ बनेगा, स्थिति क्या, स्थिति इसकी क्या होगी, तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, ये फोन पर बनेगा। ठीक, दूसरी बात इसका साइज क्या होगा, तो साइज इसका जो है अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब पॉइंट के आकार का। ठीक है, मतलब वस्तु चाहे कितनी भी बड़ी होगी, अनंत पर रखी होगी, उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है पॉइंट के आकार का बनेगा। ठीक है, तीसरी बात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाली किरण जो है ऐसे आई है ऊपर से ही, और उसके बाद वाली उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो मतलब प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा, क्योंकि असलियत में तो कट नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है अवतल लेंस के
जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब ये केस हो गया, ये इतने गुण होंगे इसके प्रतिबिंब के। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ, ठीक है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच कहीं भी रखी हो, ठीक है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच कहीं भी रखी हो, ये हम लोगों का दूसरा केस है। मतलब कहीं भी रखा होगा तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है लगभग एक ही जैसा होगा, ठीक है, सारे केसों में लगभग जो है एक ही जैसा होगा, इसलिए इससे केवल एक केस ये और एक ये दूसरा, केवल केवल दो ही केस बनेंगे, ठीक है। जब वस्तु अनंत कहीं पर हो, ठीक है, आप लोग जानते हैं हम लोगों का अवतल लेंस क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये लेंस का जो है मुख्य अक्ष होता है, ये प्रकाशिक केंद्र ओ होता है, ठीक है, ये लेंस का फोकस F1 होता है, ये लेंस का फोकस F2 होता है, ये होता है 2F2 और ये होता है 2F1, ठीक है। देखिए लेंस जितना मोटा या पतला होगा उसी हिसाब से उसका फोकस और उसका वक्रता केंद्र जो है उतना ही दूर या नज़दीक होगा। अगर लेंस मोटा होगा ज़्यादा मतलब, तो उसका जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी कम होगी, और अगर लेंस जो है पतला है तो उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, मतलब कि उसका जो सर्किल होगा वो बड़ा बनेगा जो पतला लेंस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये अनंत है, ठीक है, और ये हम लोगों का प्रकाशिक केंद्र वो है, इसके बीच में कहीं भी वस्तु हम लोग मान लीजिए चलिए यहाँ पर रख कर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वस्तु को रख रहे हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग वस्तु हमेशा जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। दो पॉइंट ले लिए ए और बी, ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, आप लोग जानते हैं अवतल लेंस का क्या गुण होता है, यह प्रकाश की किरणों को जो है फैला देता है, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणों को जो है फैला दिया, ठीक। मान लीजिए दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से निकल जा रही है, ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये किरण और ये किरण आपस में कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये किरण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेंस के फोकस से होकर आ रही है, ठीक है, और इसको पीछे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है बिना विचलन के चली जाती है तो ये सीधी रेखा में है, ठीक है, तो जहाँ ये दोनों कट गई हैं देखिए बी पॉइंट से भी प्रकाश की मतलब वस्तु के हर पॉइंट से प्रकाश की किरण निकलती है, हम लोग एक किरण मान लेते हैं कि बी से जा रही है, तो क्योंकि ये भी प्रकाशिक केंद्र से जा रही तो ये भी सीधे निकल जाएगी, आप लोगों ने नियम पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो ये जहाँ आपस में कट की है उसको हम लोग जो है मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा ही बना, ठीक है, ए डैश और बी डैश बना, ठीक, लेकिन आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे क्योंकि असलियत में नहीं कट किया है इसलिए जो है यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा, आप लोग देख रहे हैं छोटा बना है और सीधा बना है, ठीक है, बना कहाँ पर है, ये हमेशा जो है कोई भी केस हो हमेशा जो है प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है, लेंस और लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हमेशा बनेगा, ठीक है, तो इसका क्या हुआ पहला केस, स्थिति क्या है इसकी, फोकस F1 और फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच, ठीक, दूसरी बात इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, छोटा मतलब, छोटा मतलब कि हमेशा जो है ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तीसरी बात ये सीधा होगा और आभासी होगा, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि सीधा है और असलियत में किरणें नहीं कट कर रहे हैं इसका मतलब आभासी होगा, ठीक है, सीधा
इस तरीके से हम लोग ने दोस्त अवतल लेंस के लिए जो है दो केस बनते हैं, दोनों केसों को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला केस जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरा केस जब वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर रखी हो। ठीक है, दोनों केस हम लोगों ने पढ़ लिया। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आप लोगों ने देखा सभी केसों में, और ये जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और एक चीज आप लोगों ने देखा, या तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, या तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, इसके आगे और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग दोनों लेंसों के प्रयोग जानेंगे कि दोनों लेंसों को प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग जानेंगे। उत्तल लेंस मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है ना, यह होता है हम लोगों का उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो है, पहली बात, आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, अगर कोई कोई अक्षर या कोई चीज हम लोगों को नहीं दिख रहा होता है, या कोई चीज को थोड़ा सा जूम करके हम लोगों को देखना होता है, वहाँ हम लोग जो है आवर्धक लेंस मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग जो है दोस्तों सूक्ष्मदर्शी में होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी आप लोग जानते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, छोटी वस्तु को जो है बड़ा करके देखने के लिए। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी जो है पढ़ना आप लोगों के कोर्स में नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। बस ये जानिए कि जो है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जिसमें संयुक्त दो चीज़ों को जोड़ा गया हो, मतलब दो चीज़ों को जो है संयुक्त किया गया हो, जोड़ा गया हो, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है हम लोग दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल इतना जान लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तीसरी बात, दूरदर्शी में हम लोग इसका प्रयोग जो है दूरदर्शी में भी करते हैं। ठीक है, दूरदर्शी भी आप लोग जानते हैं दो प्रकार की होती हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक ही लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है दो लेंस प्रयोग होते हैं। ठीक है, दूरदर्शी दो प्रकार की होती है, एक पार्थिव दूरदर्शी, ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी मतलब कि जो वस्तु जो है पृथ्वी पर ही हो, पृथ्वी पर ही हो लेकिन बहुत दूर हो, उसको हम लोग जूम करके देखते हैं। ठीक है, और दूसरी दूसरी दूरदर्शी होती खगोलीय, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी वो होती है दोस्तों जिसका प्रयोग जो है हम लोग नक्षत्रों को, नक्षत्र मतलब कि सूर्य चंद्रमा तारे, इन चीजों का जो है अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, इन सभी दूरदर्शियों में भी जो है दो दो उत्तल लेंस जो है प्रयुक्त तो होते हैं। ठीक है, दो दो उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कोर्स में जो है दूरदर्शी जो है पढ़ना और सूक्ष्मदर्शी पढ़ना जो है आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगली कक्षा में आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक, चौथा प्रयोग इसका कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है दोस्तों चश्मे में। ठीक है, चश्मे में दूर दृष्टि दोष जो है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए। ठीक है, दूर दृष्टि दूर दृष्टि दोष जो है दूर करने के लिए हम लोग जो है चश्मे में इसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चश्मे में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि
किस तरीके की दृष्टि दोष होती है, कैसे दृष्टि दोष होता है, तो उसमें लेंस जो है किस तरीके से प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस कहाँ प्रयोग होता है हम लोग जानेंगे। तो अवतल लेंस भी पहली बात तो ये जो है चश्मे में होता है। ठीक है, इसका भी प्रयोग जो है हम लोग चश्मे में करते हैं। ठीक है, चश्मे में जो है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग दोस्तों होता है स्पाई होल्स। ठीक है, स्पाई होल्स इनडोर मतलब दरवाजों में स्पाई होल। स्पाई होल का मतलब आप लोग जानते होंगे दोस्त, जैसे हम लोगों के यहाँ दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है, तो दरवाजे में एक छोटा सा जो है छिद्र किया गया होता है, छोटा सा छिद्र किया गया होता है, और उसमें एक जो है लेंस लगा होता है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है जैसे हम लोगों के घर के बाहर कोई व्यक्ति आया होता है, तो उस व्यक्ति को जो है हम लोग इस छिद्र से देखते हैं। ठीक है, तो उस बड़े से व्यक्ति की जो है, पूरे व्यक्ति की जो है प्रतिबिंब जो है हम लोग छोटे से छिद्र के माध्यम से ही हम लोग देख लेते हैं। इस जगह पर जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रयोग इसका कहाँ होता है, कैमरा में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है कैमरे में किया जाता है। कैमरे में मतलब आप लोग जानते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, मोबाइल में जो है जब किसी एक वस्तु को मतलब किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोगों को देखना होता है क्लियर, सिंगल ऑब्जेक्ट को क्लियर करके बाकी साइड वाले ऑब्जेक्ट को जो है ब्लर करके हम लोग देखते हैं। मतलब कि जैसे ये पेन है तो हमें केवल इस पेन को देखना है, तो जो है हम कैमरे में उसी लेंस का, अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग केवल सिंगल वस्तु को क्लियरली देखते हैं और साइड की चीज़ों को जो है ब्लर करके मतलब धुंधला करके, साइड की चीज़ों को धुंधली देखते हैं और सिंगल चीज़ को जो है क्लियर देखते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब सिंगल वस्तु मतलब एक वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, चौथा प्रयोग इसका कहाँ होता है दोस्तों, इसका प्रयोग जो है फ्लैश लाइट में होता है। ठीक है, फ्लैश लाइट में, फ्लैश लाइट का मतलब आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का गुण क्या होता है, ये किरणों को फैला देता है। फैला देता है मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की मोबाइल में जो फ्लैश लाइट जलती है, उसका जो लाइट होता है वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, मतलब चारों तरफ जो है पूरी तरीके से फैल जाता है। मतलब कि रात्रि में अगर हम किसी वस्तु का जो है इमेज लेते हैं, किसी वस्तु की जो है फोटो खींचते हैं, तो वो उस वस्तु पर पूरी तरीके से प्रकाश जो है फैल जाए, इसलिए जो है फ्लैश लाइट में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे पूरी वस्तु को जो है वो दिखा दे। अगर एक बिंदु पर वो लाइट केंद्रित कर देता तो हम लोग पूरी वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इन दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने जो है उत्तल लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया, और दोनों का जो है प्रयोग पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है लेंसों में जो है प्रयुक्त जो है चिन्ह परिपाटी जो है पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है जैसे जब हम लोग उसके सवाल लगाते हैं, ठीक है, और उसका जो है सूत्र पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग जो है दोनों लेंसों पर आधारित सवाल सवाल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप लोग जो है अगले वीडियो की सूचना पा जाएं, और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय।